इंडियन नेवी 3 एडिशनल फ्रेंच स्कॉर्पिन क्लास या कलवारी क्लास सबमरीन्स की एक्विजिशन के लिए इंडिया की स्टेट ओन्ड डिफेंस PSU माजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL के साथ नेगोशिएशन प्रोसेस में है और MDL इन सबमरीन्स को बिल्ड करने के लिए फ्रेंच नेवल ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करेगी और ये सबमरीन्स इंडियन नेवी द्वारा पहले एक्वायर की गई कलवारी क्लास सबमरीन से लार्जर और ज़्यादा एडवांस्ड होंगी। नाउ इन सबमरीन्स का ओरिजिनल डिज़ाइनर नेवल ग्रुप है बट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोविज़न के जरिए इन सबमरीन्स को इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट में इंडिजिनस कंटेंट की मिनिमम रिक्वायरमेंट है 60%। इन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स के ऑनगोइंग एक्विजिशन प्रोसेस के दौरान रिसेंटली नेवल ग्रुप की तरफ से ये कहा गया है कि सबमरीन्स का हर्ट और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम मेड इन इंडिया होगा जिसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा फ्रांस की आर्किटेक्चरल सपोर्ट से प्रोड्यूस किया जाएगा। नाउ इस प्रोजेक्ट की बात करने से पहले हम देखते हैं नेवी के प्रीवियस सबमरीन प्रोजेक्ट P-75 को। P-75 प्रोजेक्ट के अंडर 2005 में इंडिया ने नेवल ग्रुप के साथ 6 स्कॉर्पिन क्लास कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स का एग्रीमेंट साइन किया था जिनकी प्रोडक्शन MDL की फैसिलिटी में ही की गई है। कलवारी क्लास की पहली सबमरीन INS कलवारी की नेवी में इंडक्शन 2017 में हुई थी और लास्ट 6th INS बख्शीर की इंडक्शन इस साल प्लान्ड है। इसके बाद इन 3 एडिशनल कलवारी क्लास सबमरीन्स की अप्रूवल 2023 में दी गई थी। इस प्रोजेक्ट के लिए MDL डिफेंस मिनिस्ट्री को एक डिटेल्ड टेक्नो कमर्शियल बिड सबमिट कर चुकी है जिसके अंडर MDL ने 60% इंडिजिनस कंटेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपनी कमिटमेंट जाहिर की है और कहा है कि इस प्रोजेक्ट का लार्ज शेयर इंडियन सप्लायर्स और MSMEs यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को ही जाएगा। इन 3 सबमरीन्स की एक्विजिशन प्राइस MDL और MOD की नेगोशिएशंस के बाद ही फाइनल होगी बट कहा जा रहा है कि इस डील की वैल्यू करीब करीब 35,000 करोड़ हो सकती है। अब बात करते हैं कि ये नई सबमरीन्स नेवी की प्रीवियस कलवारी क्लास सबमरीन से कैसे अलग होने वाली हैं। सबसे पहले तो ये साइज़ में पहली सबमरीन्स के मुकाबले लार्जर और साथ ही मोर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से इक्विप्ड होंगी। दूसरा, एंड्योरेंस में इम्प्रूवमेंट होगी और प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट्स की जाएंगी। ट्रेवलिंग डिस्टेंस की बात करें तो नई सबमरीन्स की रेंज भी अपनी प्रीवियस सिस्टर सबमरीन से ज़्यादा होगी। इसके अलावा एक और क्रिटिकल एडवांसमेंट भी इसमें ऐड की जाने की पॉसिबिलिटी है और वो है AIP, दैट इज़ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। AIP सिस्टम से इक्विप्ड एक कन्वेंशनल नॉन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बिना सरफेस पर आए लॉन्ग टाइम तक अंडर वाटर ऑपरेट करने में कैपेबल होती है क्योंकि नॉर्मली एक सबमरीन जिसमें AIP सिस्टम नहीं होता उसको कुछ दिनों बाद जनरली 2 से 4 दिन बाद अपनी बैटरीज चार्ज करने के लिए सरफेस पर आना पड़ता है जिससे उनके एनिमी रडार्स पर डिटेक्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। बट AIP से लेस सबमरीन लॉन्गर पीरियड करीब 12 से 15 दिन तक कॉन्टीन्यूसली अंडर वाटर ऑपरेट कर सकती है। सो ये एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और प्रूवन AIP सिस्टम को कुछ चंद कंट्रीज ही डेवलप कर पाई हैं और इंडियन नेवी का अंडर प्रोसेस और डिलेयर्ड प्रोजेक्ट P-75I जिसके अंडर 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स को एक्वायर किया जाना है उसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम की रिक्वायरमेंट एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। और इस साल जनवरी में DRDO की लैब नेवल मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी NMRL और फ्रेंच नेवल ग्रुप के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके अंडर नेवल ग्रुप NMRL के AIP सिस्टम के डिज़ाइन को सर्टिफाई करेगा। बता दें कि NMRL द्वारा AIP सिस्टम के लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप को ऑलरेडी सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है सो अभी नेवल ग्रुप DRDO को AIP के डिटेल्ड डिज़ाइन फेज में एंटर करने में कोऑपरेट करेगा। DRDO AIP की प्रोडक्शन के लिए L&T को अपना इंडस्ट्री पार्टनर चूज कर चुका है जिसके लिए लास्ट ईयर DRDO ने L&T के साथ AIP के मॉड्यूल्स की प्रोडक्शन के लिए एग्रीमेंट साइन किया था। अभी ये श्योर नहीं है कि इन 3 नई स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स में AIP सिस्टम होगा या नहीं बट AIP सिस्टम के स्ट्रेटजिक बेनिफिट्स और इनकी इंडिजिनस डेवलपमेंट को देखते हुए ये पूरे पूरे चांसेस हैं कि इस सिस्टम को नई सबमरीन्स में इंस्टॉल किया जा सकता है। पहले रिपोर्ट्स आई थी कि कलवारी क्लास की 5th सबमरीन INS बगीर
और 6 सबमरीन INS वगशीर में इंडिजिनस AIP सिस्टम होगा, बट INS वगीर की डिलीवरी विदाउट AIP हुई है और जब INS वगशीर को भी लॉन्च किया गया था तो उसमें AIP के होने की बात कोई सामने नहीं आई। बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कलवारी क्लास की पहली सबमरीन INS कलवारी जब इस साल रीफिटिंग के लिए जाएगी तो उसमें AIP सिस्टम को इंस्टॉल किया जा सकता है। लास्ट में बात करें कि ये 3 एडिशनल सबमरीन्स नेवी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, तो इंडियन नेवी के पास अभी करंटली 16 कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं, जिसमें 7 रशियन सिंधुघोष क्लास, 5 इंडो फ्रेंच कलवारी क्लास और 4 जर्मन शिशुमार क्लास सबमरीन्स शामिल हैं। इसके अलावा नेवी के पास अरिहंत क्लास की 2 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल कैरिंग सबमरीन्स भी हैं, बट कलवारी क्लास को छोड़कर बाकी सबमरीन्स 30 साल से ज़्यादा पुरानी हैं और दूसरी ओर पाकिस्तान की सबमरीन डेवलपमेंट्स को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस साल अप्रैल में चाइना ने हंगोर क्लास की 8 सीरीज की पहली सबमरीन को लॉन्च किया था जो चाइना पाकिस्तान के लिए बिल्ड कर रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये हंगोर क्लास सबमरीन्स AIP सिस्टम से इक्विप्ड होंगी। इस सिनेरियो को देखते हुए इंडियन नेवी का P-75I प्रोजेक्ट अभी काफ़ी पीछे चल रहा है, इसी वजह से इन 3 एडिशनल सबमरीन्स की एक्विजिशन बहुत क्रूशियल है और MDL की तरफ से कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 6 साल के अंदर वो पहली सबमरीन को डिलीवर करने के लिए फुली कमिटेड है।